तो वेलकम बैक। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें एक फिगर गिवन है जो कि बेसिकली ट्राइंगल है, और इस फिगर में हमें ए बी सी जो ट्राइंगल है इसमें ए बी की लेंथ गिवन है 20 मीटर और बी सी की लेंथ गिवन है 21 मीटर। इसी तरीके से ये एक और ट्राइंगल इसके अंदर बनाया गया है कट करके, ये है 10 मीटर। और हमें इस ग्रीन पार्ट का, इस ग्रीन रीजन का, इस ग्रीन शेडेड रीजन का हम बेसिकली एरिया फाइंड आउट करके देखना है। तो आइए हम देखते हैं हम इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं और किस तरीके से इस ग्रीन जो रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो मैं इस पिक्चर को अपने बोर्ड पर बना लेता हूँ। तो ये मैंने शेप बना ली है आपके सामने। तो ये एक ए बी सी ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के अंदर हमें बस इस रीजन को जो है फाइंड आउट करना है, इस रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करके दिखाना है। इसके अलावा हमें कुछ लेंथ्स गिवन है, जैसे ए से लेकर बी तक की लेंथ हमें गिवन है 20 मीटर, बी से लेकर सी तक की लेंथ गिवन है 21 मीटर, और ए से लेकर इस पॉइंट तक की लेंथ गिवन है, इसका नाम पॉइंट डी रख लेता हूँ, तो ए डी लेंथ गिवन है 10 मीटर। तो ये एक ट्राइंगल है, इसके दो हिस्से हुए हुए हैं बेसिकली। एक पोर्शन इसका अबव वाला है जिसमें मैंने जिसको शेड किया हुआ है, और एक पोर्शन इसका बिलो है, और जो बिलो पोर्शन है वो भी एक ट्राइंगल है। तो अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं इसका नाम T1 रख लेता हूँ, यानी ट्राइंगल नंबर 1। और ये पूरी पिक्चर भी एक ट्राइंगल ही है, तो ये एज अ होल ट्राइंगल है, उसके अंदर एक ट्राइंगल है। तो हमें सिर्फ इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम किस तरीके से इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करेंगे, हम पहले इस पूरी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद इस T1 ट्राइंगल का एरिया इसमें से करवा देंगे माइनस। इससे क्या होगा कि हमारे पास जो चीज़ बचेगी, जिसका एरिया बचेगा, वो बचेगा सिर्फ शेडेड रीजन। तो हम क्या करने जा रहे हैं, पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, और उसमें से वो एरिया जो हमें नहीं चाहिए, जो शेडेड नहीं है, उसका एरिया हम माइनस कर देंगे। इस तरीके से हमें वो रीजन का एरिया पता चल जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आइए पहले हम पूरी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। आप लोग जानते हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेसिकली इक्वल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। आप लोग जानते हैं कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो बेसिकली इक्वल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। अब हमने इसके अंदर बेस और हाइट को पुट करना है और देखना है कि किस तरीके से हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आता है। तो अगर आप कंसिडर करें कि इस शेप के अंदर जो मेरे पास बेस है वो है ए बी, और वो है 20 मीटर, और जो मेरे पास हाइट है वो बेसिकली है बी से लेकर सी तक, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी हम हाइट निकालते हैं तो हम बेसिकली इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस ले रहे होते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस जो यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल के साथ बन रहा है वो है 21 मीटर। तो इस तरीके से अगर हम बेस को लें 20 मीटर और हाइट को लें हम बेसिकली 21 मीटर, तो हम इसका ट्राइंगल का एरिया ईजिली निकाल सकते हैं। तो हम एरिया निकलेगा 1/2, बेस है हमारे पास 20 मीटर और हाइट है हमारे पास बेसिकली 21 मीटर। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से, तो ये हमारे पास आ जाता है 210 मीटर स्क्वेयर। ये जो एरिया हमने फाइंड आउट किया है ये इस पूरी शेप का है, ये इस पूरी शेप का एरिया है जो हमने फाइंड आउट किया है, यानी इस पूरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट किया है। हमें इस ट्राइंगल में से वो वाला एरिया माइनस करना है जो हमें नहीं चाहिए, और हमें कौन सा एरिया नहीं चाहिए, हमें T1 एरिया नहीं चाहिए, हमें इसका एरिया निकाल कर इस टोटल एरिया में से हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आइए देखते हैं इस T1 एरिया को हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं। तो अब T1 एरिया हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर मैं इसी T1 को, इस T1 ट्राइंगल को यहाँ पर सेपरेटली ड्रॉ कर लूँ आपकी आसानी के लिए, तो ये कुछ इस तरह का ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ये 10 मीटर है, ये भी गिवन है पहले से ही 10.5, और ये हमारे पास बन गया T1 ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल में जो 20 मीटर की लेंथ थी ये एज अ होल थी ए से बी तक, तो इसलिए मैंने वो यहाँ पे नहीं लिखी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये ई पॉइंट तक है, हमने इससे आगे नहीं जाना, क्योंकि ये पूरी जो आपके पास लेंथ बनती है ये 20 मीटर बनती है, ए ई 20 मीटर नहीं बनती। तो जो लेंथ हमें गिवन है इसकी हमने वो लिख ली। ये भी एक ट्राइंगल है और इसका एरिया निकालने का भी फॉर्मूला सेम होने वाला है जिस तरह हमने बाकी का एरिया निकाला है। तो हम लिखेंगे इसको, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज़ बेसिकली 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बी फॉर बेस एंड एच फॉर हाइट। तो बेस हम इसको फिर वही कंसिडर करेंगे जिस पे 90 डिग्री फॉल हो रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल इससे कनेक्टेड है इस लेंथ से, तो मैं इसका नाम रखने लगा हूँ बेस, ये मेरी रेफरेंस बेस है। तो बेस है मेरे पास में बेसिकली 10.5,
और हाइट, हाइट होती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ट्राइंगल के केस में, वो या आप इस तरह कह लें इस केस में हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो इसकी हाइट कहलाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है ये इसकी बेसिकली हाइट है, और हाइट हमारे पास यहाँ पर गिवन है 10 मीटर। तो इसको भी अगर हम कैलकुलेटर से सॉर्ट आउट करें तो ये हमारे पास बन जाता है 52.5 मीटर स्क्वेयर। तो हमारे पास दो एरिया आ गए, एक एरिया आया है एरिया ऑफ अ होल फिगर जो इस पूरे ट्राइंगल का है, और एक एरिया आया है इस टी वन ट्राइंगल का जो कि 52.5 मीटर स्क्वेयर है। क्योंकि हमें टी वन ट्राइंगल का एरिया नहीं चाहिए, हमें बस ऊपर वाला शेडेड रीजन चाहिए, तो हम जो टोटल एरिया आया है उसमें से ये वाला एरिया करवा देंगे माइनस, जिससे हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट यानी हमारा ग्रीन शेडेड पार्ट का एरिया जो है ना वो मिल जाएगा। तो आइए हम उसको माइनस करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या एरिया इसका रिक्वायर्ड बनता है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास एक्चुअल एरिया क्या होगा। जो एरिया ऑफ अ होल फिगर था वो हमने निकाला है 210 मीटर स्क्वेयर, और जो अभी हमने निकाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल टी वन, ये स्मॉल ट्राइंगल टी वन का एरिया, ये है मेरे पास 52.5 मीटर स्क्वेयर। मुझे टी वन का एरिया रिक्वायर्ड नहीं है, मुझे सिर्फ ये शेडेड पार्ट का एरिया रिक्वायर्ड है, इसलिए मैं टोटल एरिया में से इस टी वन का एरिया को क्या कर दूंगा माइनस। तो मुझे लिखना पड़ेगा कि जो मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो बेसिकली होगा 210 माइनस 52.5 मीटर स्क्वेयर। ये दोनों मीटर स्क्वेयर में है क्योंकि हम इसको एरिया कह रहे हैं। तो अगर मैं 210 में से 52.5 को माइनस करता हूँ तो मेरे पास एक्चुअल एरिया आता है 157.5 मीटर स्क्वेयर, जो कि मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो मुझे इस शेप में किस तरीके से शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना पड़ा, मुझे पहले पूरी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना पड़ा और उसमें से माइनस करवाना पड़ा उस ट्राइंगल का एरिया जो कि जिसका नाम मैंने टी वन रखा था। इस तरीके से मैंने अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट हासिल कर लिया है जो कि है 157.5 मीटर स्क्वेयर।